नमस्कार दोस्तों, आइकॉनिक मुद्रा पे स्वागत है। दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल बटन प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज जब बात करेंगे 2008-9-10 में जारी 50 पैसे के बारे में, जो आजकल मार्केट में नहीं चलता, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक इसको विड्रॉ नहीं किया है, तो सर्कुलर भी नहीं जारी की गई इस कॉइन के लिए। 50 पैसा जारी किया गया था, इसका जो वेट है 3.79 ग्राम है, फेरेटिक स्टील से बना गया है। एक कॉइन जो दिख रही है आप, दोस्तों एक कॉइन 2010 में ओनली फॉर कलकत्ता में से जारी की गई थी, और जो 2008 का कॉइन है वो हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई मिंट से जारी की गई कॉइन है, और 2008 का हैदराबाद और मुंबई मिंट से जारी की गई कॉइन। तो दोस्तों ये जो कॉइन दिख रही है अब फेरेटिक स्टील से बना है कॉइन 50 पैसे, और उसके जो एक कॉइन भी दोस्तों आज के ज़माने के लड़का लड़की ये कॉइन को नहीं जान सकता। ये कॉइन टोटली मार्केट से गायब हो चुकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं 3 लाइन से डाइवर्ट किया गया है कॉइन, ऊपर में इंडिया, मिडिल में अशोका कैपिटल और नीचे में देव मिंटिंग यार्ड दिया हुआ है 2010। में कलकत्ता मिंट से ही जारी किया गया था दोस्तों। दोस्तों ये कॉइन के आपके पास अगर है तो कलकत्ता मिंट का 2010 का कॉइन आपको UNC कंडीशन में 5 रुपीज़ से 10 रुपीज़ मिलेगा, और 2009 का जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो दोस्तों 15 से 20 रुपये UNC कंडीशन में आपको जो कॉइन कलेक्टर है आपसे खरीद सकते हैं। लेकिन जो टू थाउजेंड एट का जो हैदराबाद मिंट का कॉइन है वो स्क्वायर कॉइन है, उसका UNC कंडीशन में मार्केट वैल्यू 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़। दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा आने वाले वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।